मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के परतवाड़ा मार्ग पर ग्राम झल्लार में रात करीब 2 बजे बस और टवेरा कार की टक्कर होने से जीप में सवार 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बैतूल पुलिस अधीक्षक मिसाला प्रसाद ने बताया कि झल्लार के पास खाली जा रही बस क्रमांक MP48P0193 और टवेरा कार के बीच टक्कर हो गई। कार में सवार सभी लोग मजदूर हैं जो महाराष्ट्र के कलंभा से अपने गांव लौट रहे थे। 4 शवों को क्षतिग्रस्त कार के हिस्सों को काट कर बाहर निकाला गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए, साथ ही बस का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में बस चालक यशवंत परते घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद बैतूल कलेक्टर और SP सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायल के लिए 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 10-10 हज़ार सहायता राशि देने का ऐलान किया है। घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बैतूल जिले के झल्लार में भीषण सड़क दुर्घटना का दुख समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं जाहिर की और सरकार व प्रशासन से उनकी हर संभव मदद की अपील की। बैतूल जिला मुख्यालय के करीब 35 किलोमीटर दूर परतवाड़ा मार्ग पर ग्राम झल्लार में बस और जीप की टक्कर में जान गंवाने वाले 11 लोग करीब 20 दिन बाद अपने घर लौट रहे थे। महाराष्ट्र में मजदूरी करने के बाद वापस लौटते समय रास्ते में हादसे ने उनकी जान ली। जिस जीप में सवार होकर वो लौट रहे थे उसके चालक को अचानक झपकी आई, जिसके कारण जीप अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से बस से टकरा गई। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि बस और जीप की टक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है। इनमें 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल है जो मेंढा, चिकलार और महत गांव के हैं। मैडम, घटना क्या हुई है और किस तरह की घटना का पता लगा है? देर रात को एक खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मजदूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2:15 बजे के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है, ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद सी आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई, वो बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार की सहायता राशि।